मार्केट में मिलने वाले मोमो हर किसी को पसंद आते हैं। जब भी हम मार्केट में जाएं तो मोमो खाना हर किसी को पसंद होता है, यानी हर किसी का ये फेवरेट होता है। तो आज हम यही मोमो की रेसिपी घर पे बनाएंगे, वो भी प्योर हेल्दी तरीके से। तो हेल्दी तरीके से हम कैसे बनाएंगे? जी हाँ, आज हम बनाएंगे आटा मोमो। गेहूँ के आटे से हम बनाएंगे आटा मोमो। तो चलिए देर न करते हैं, हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमारे जो मोमो है उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ये मसाला, ध्यान रखिएगा, ये मसाला भूलिएगा नहीं। तो हम एक चॉपर ले लेंगे, चॉपर में हम दो दाने प्याज को इस तरीके से कट करके इसमें डाल देंगे। चॉपर का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोमो बनाने के लिए जो हमें प्याज सब्जी चाहिए वो बहुत बारीक होनी चाहिए, तो वो हाथ से नहीं कटती हैं। तो इस तरीके से हम प्याज को कट कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा चॉप हो गया है, बहुत इजीली, और मार्केट में चॉपर बहुत सस्ते दाम पे भी मिल जाता है। तो हम इसे निकाल लेंगे। ठीक उसी चॉपर में हम गाजर और पत्ता गोभी को भी इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल देंगे और इसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने किचन टूल में एक चॉपर को भी जोड़ लीजिएगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं हम जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे सोयाबीन को भिगा के रखा था थोड़ा सा, एक बाउल, और इसे पानी निकाल के हम इसमें इसको भी चॉपर में डाल देंगे, इसे भी हम चॉप कर लेंगे। सारी सब्जियों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं, प्याज भी तैयार है और जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना वो भी तैयार है। तो चलिए अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई रख लेते हैं, उसमें हम 4 से 5 चम्मच तेल और जो प्याज कट करके रखा था ना वो हम यहाँ पे डाल के इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं पकाना है क्योंकि हम मोमो का मसाला बना रहे हैं, सब्जी नहीं बना रहे हैं। तो हल्का सा जब ये रोस्ट हो जाए ना तो हम यहाँ पे डालेंगे ये पेस्ट अदरक लहसुन का। इसको स्किप बिल्कुल मत करना, अगर इसको स्किप कर लिया तो आपका मोमो में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो जो सब्जियां हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे, हल्का हल्का इनको सैलो फ्राई करना है, इन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम 1 चम्मच के आसपास अजिनोमोटा, क्योंकि कोई भी चाइनीज़ फूड हम बनाते हैं तो उसमें अजिनोमोटा का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो अच्छे से हम इसे 1 मिनट के लिए चला लेंगे और हम इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक इसका मसाला ठंडा होता है तो हम इसके लिए बना लेते हैं आटा। तो हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरा गेहूं का आटा, जिसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच हम यहाँ पे मैदा, क्योंकि गेहूं का आटा हमारा बहुत नरम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बाइंडिंग के लिए हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, इनको आपस में मिला लेंगे और इसे नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से गूंद लेंगे जैसे हम एक आटा गूंदते हैं। ध्यान रखें कि आटा ज़्यादा नरम और हार्ड नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज मैं मोमो बना रही हूँ जुगाड़ू तरीके से, यानी कि हम मेरे पास कोई मोमो का स्टैंड नहीं है। तो आप वीडियो को आगे बने रहिएगा, मैं आपको अलग सीक्रेट तरीका बताऊँगी। तो आटा हमारा तैयार हो गया है, 5 मिनट रेस्ट के बाद हमारा आटा जो तैयार है उसमें से हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। इतनी छोटी लोइयाँ बनानी है कि इसे पूरी से भी छोटी हमने इसे बेलना है। तो छोटे छोटे हम इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे कि मोमो का जो बाहर का जो यानी कि जो कवर है वो पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम सारी पूरियाँ बेल लेंगे छोटी छोटी। तो अब हमने क्या करना है, जो मिक्सर बनाया था ना वो ठंडा हो गया है तो हम इसके अंदर भर लेंगे। जितना आपको पसंद है कम ज़्यादा उस हिसाब से भरिए। मैं अपनी बेटी के रिक्वायरमेंट से ये बना रही हूँ तो उसे सब्जी कम पसंद है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भर रही हूँ। तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन भी दे देंगे, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो मोमो का। मोमो के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं तो मैं ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस तरीके से इनको प्रेस कर लेना है, कोने दबा देने हैं ताकि ये फटे नहीं। दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अभी भी बता रही हूँ कि जिस तरीके से आपको पसंद है इसके अंदर कम ज़्यादा इसका जो मसाला उस हिसाब से आप भर सकते हैं, क्योंकि आप इसे घर पर बना रही हो, मार्केट का नहीं है ये। तो अब हमने ले लेना है यहाँ पे इडली स्टैंड, अगर आपके पास इडली स्टैंड है तो उसको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे, जो मोमो बनाए हैं वो हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। यहाँ पे आप दो दो भी डाल सकते हो, इस तरीके से दो दो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें 4 लेयर हैं इडली स्टैंड में, 4 इसके प्लेटें हैं, तो मैं सब में रख दूँगी एक एक। और ध्यान रखें कि तेल से इसे ग्रीस जरूर करना है, तो इसकी लिड लगा लेंगे। हमारे सारे मोमो बन के तैयार हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक पतीली में पानी गरम कर लेना है,
तो स्टैंड को हम इसमें डाल के 30 मिनट के लिए इसे कवर कर लेंगे लो फ्लेम के लिए। तो चलिए अब हम चटनी तैयार करते हैं। उसके लिए हम प्याज डाल देंगे और यहाँ पे लहसुन, टमाटो और यहाँ पे ग्रीन मिर्ची। आप यहाँ पे लाल मिर्ची का यूज़ कीजिएगा क्योंकि मोमो के लिए लाल मिर्ची का ही यूज़ करते हैं। तो हमें इन्हें हल्का सा सॉटे करना है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना मुझे सपोर्ट देने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम इसे पीस लेंगे ठंडा होने के बाद और हमारी मोमो की चटनी तैयार है। हम यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, यहाँ पे विनेगर और थोड़ा सा सरसों का ऑयल 1/2 चम्मच। इनको अच्छे से मिला लेंगे और हमारी मोमो की चटनी बनके तैयार है। फ्रेंड इसको मत भूलिएगा क्योंकि हमारी चटनी में विनेगर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 30 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा मोमो जो है तैयार है, यानी कि आटा मोमो तैयार है। देखा ना, बिल्कुल जुगाड़ू काम है। अगर आपके पास कोई भी पतीली हो उसमें भी डालें, छन्नी है तो छन्नी में भी आप मोमो बना सकते हैं। ठंडा होने के बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो बिना मोमो स्टैंड के हमारी आटा मोमो बनके तैयार है। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। हमने इन्हें तेल से ग्रीस किया था ना, देखिए बिल्कुल नहीं चिपके हैं। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म। तो फ्रेंड बिना स्टैंड के हमारे मोमो बनके तैयार है, वो भी आटा मोमो, पूरी तरह से हेल्दी है। आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली को। मैं स्पेशल अपनी बेटी के लिए ये बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा, मेरी ये रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।